आखिरकार गदर 2 का टेलर आ ही गया। मुझे गदर 2 का टेलर से ज्यादा रोस्ट वीडियो लग रहा है, जम के मजे लिए है टेलर ने। तो टेलर काफी कुछ रिवील कर देता है, तो आइए एक एक करके बात करते हैं। तो गदर 2 का स्टोरी क्या होगा? तो पिछले पार्ट में तारा सिंह ने एक पाकिस्तानी लड़की को अपना महिला मित्र बनाई थी, तो उसकी वजह से इतना सारा कांड हुआ था। तो जिसका बाप दूसरी देश की लड़की को अपना महिला मित्र बनाई थी, उसका लौंडा ऐसे में पीछे कैसे हट सकता है? तारा सिंह का लौंडा जीते इंडियन आर्मी में होगा। तो मूवी का स्टोरी 1971 की टाइमलाइन में होगा, जब पाकिस्तान में क्रश इंडिया नाम से वार चल रहा था। उसी को शॉर्ट आउट करने के लिए तारा सिंह का लौंडा जीते पाकिस्तान अपने टीम के साथ जाता है, मगर वहां पे हो जाती है कुछ गड़बड़। तारा सिंह के लौंडे को हो जाती है पाकिस्तानी लड़की से प्यार, जिसका नाम खुशी होगी। तो तारा सिंह का लौंडा खुशी के कारण पाकिस्तानी पुलिस के हाथे चढ़ गया होगा, जिसको बचाने के लिए तारा सिंह पंजाब पुलिस से भी मदद लेता है, जिसके बाद तारा सिंह खुद चले जाते हैं पाकिस्तान का हैंडपंप उखाड़ने, अपने लौंडे को बचाने। क्योंकि इस सीन में हम देख सकते हैं कि तारा सिंह का लौंडे के साथ साथ और भी कुछ लोग बंधे हुए हैं, प्रोबेबली वो इंडियन सोल्जर ही होंगे, क्योंकि इस सीन में भी तारा सिंह और उसके लौंडे टैंक के ऊपर बैठकर बम फेंक रहे हैं। तो टैंक कौन चला रहा होगा? खुशी तो नहीं चला सकती, तो इंडियन सोल्जर ही होगा। तो गदर 2 का मोटा मोटी स्टोरी ऐसा ही हो सकता है। और हाँ, कोई नहीं बोलेगा कि तारा सिंह के पास थॉर का म्यूनियर अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है, क्योंकि एक ही हथौड़े में जीप को उलट पुलट कर देता है, जिसे पता चलता है कि ये म्यूनियर अल्ट्रा प्रो मैक्स है। बात तो हो गई स्टोरी के बारे में, मगर टेलर कैसा है? सिंपली बोलूं तो एक टेलर नहीं था, ये एक रोस्ट वीडियो है पाकिस्तान के अगेंस्ट। इतना तो कन्फर्म है कि मूवी में जम के मजे लेंगे पाकिस्तान के, जिसे देखकर ऑडियंस तालियां और सीटियां 100% बजाएगी। टीजर के अंदर VFX को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम है, ये हेलीकॉप्टर वाला भी सीन थोड़ा कार्टूनिश लग रहा है, इसे बेहतर कर सकते हैं तो अच्छा होगा। मूवी के अंदर काफी खतरनाक डायलॉग होने वाले हैं, जिसे देखकर ऑडियंस की तालियां और सीटियां तो निकल ही जाएगी, मगर टीजर के अंदर कुछ डायलॉग काफी ज्यादा क्रिंज लग रहे हैं। ऐसा ना हो कि मूवी मजाक बनाने के चक्कर में खुद ही मजाक बन जाए। टेलर के अंदर जितने भी सेट दिखाए हैं, उससे अंदाजा लग रहा है मूवी काफी लो बजट की है। टेलर के अंदर कुछ कुछ सीन को साइड में रखते हुए टेलर काफी ज्यादा अच्छा है। इतना तो कन्फर्म है कि मूवी दबा के पैसे कमाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर है। बस पुराने सभी म्यूजिक को दोबारा से क्रिएट करने के चक्कर में क्रिंज ना बना दे। गदर पार्ट 1 का स्टोरी 22-23 साल पहले की ट्रेंड के अनुसार था, मगर पार्ट 2 में भी 22-23 साल पुराना ट्रेंड को ही दिखाया है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि आज के ऑडियंस को मूवी का टेस्ट जमेगा या फिर नहीं। बट ओवरऑल देखा जाए तो मूवी को बनाया ही इसलिए है कि मास ऑडियंस, जिसको डायलॉग बाजी ओवर द टॉप एक्शन पसंद है, उनके लिए नो डाउट ये मूवी वो ऑडियंस को थिएटर में लाने के लिए कामयाबी हो जाएगी। टेलर के अंदर जिसको विलेन दिखाया है, उसका रिएक्शन देख के पता चल रहा है कि सनी पाजी ने इसका काफी कुछ बिगाड़े हैं। देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि मूवी आज के ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाती है या नहीं। और हाँ, हैंडपंप वाला आइकॉनिक सीन को हम कैसे भूल सकते हैं, वो भी टेलर के अंदर दिखाया है। बाकी तुम बताओ तुम्हें टेलर कैसा लगा, और मूवी का भी रिव्यू आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।